बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो माशाल्लाह से आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं और आज जो है ना बहुत तेज़ हवा चली हुई है, क्योंकि रोज डे के सामने हमारी छतरी जो है ना उड़ रही है हवा की वजह से। और अदनान इधर कुछ कर रहे हैं, पता नहीं क्या काम कर रहा है अदनान इधर बैठ कर। बहुत तेज़ हवा चल रही है और मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, देखिए इतनी मिट्टी उड़ रही है ना, क्योंकि बारिश नहीं है ना इस वजह से हवा चलती है तो मिट्टी तो आती है। वो दिन बहुत ज़्यादा हवा थी, बिल्कुल भी हवा नहीं थी, वो दिन बहुत सख्त गर्मी थी, इतनी सख्त गर्मी थी कि गर्म पानी खेतों को लगाया हुआ था, तो खेतों में जब पानी लगाया तो पानी में पैर डाला ऐसा लगता था किसी ने पानी को उबाला हुआ है, इतना पानी भी खेतों में जाते ही गर्म हो गया, इतनी सख्त धूप थी। तो वैसे आज मौसम वैसे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हवा गर्म हो ठंडी हो चलती रहे फिर भी मौसम अच्छा हो जाता है, लेकिन बिल्कुल हवा ना हो तपेश हो तो फिर गर्म ही। चलो देखते हैं कि अदनान किचन में बैठा क्या कर रहा है। ये मेरे ख्याल में क्योंकि मैकेनिक का काम कर रहा है, ऐसे सप्लाई का, ये सप्लाई का ऑपरेशन करके उसको बना रहा है। ये बन जाएगी बिल्कुल पंखे की तरह ख़त्म हो जाएगी। कोई काम तो होगा। हाँ वैसे हमारा एक पंखा पहले ख़त्म हो चुका है ऐसे काम करते करते। वैसे कल जो है ना मैंने पूरे घर की धुलाई की है, इधर बरामदे की भी और कमरों की भी धुलाई की है, और आज फिर इतनी तेज़ हवा चली हुई है और फिर से मिट्टी आ रही है। ऐसे है ना मैंने फिजान से कहा कि इधर पानी का छिड़काव लगा दे ज़बरदस्त सा, ताकि मिट्टी सहन सुड़कर अंदर की तरफ ना आए, बहुत ज़्यादा पानी लगा देना है, मिट्टी जम जाए बिल्कुल। वैसे अदनान की भी मैं अभी बात कर रही थी कि उसने ऑपरेशन किया हुआ है सप्लाई का, तो एक पंखा लगा हुआ था इधर छत पर हमारा, तो वो जो है ना थोड़ा आवाज़ कर रहा था, ख़राब हो गया था थोड़ा थोड़ा, पता नहीं उसका कोई मसला हो गया, तो मैंने अदनान से कहा अदनान जी एक पंखा ख़राब हो गया है, जब चलाते हैं तो फ़ौरन से नहीं चलता, थोड़ी देर बाद चलता है, तो इसको क्या करना है इसका। अदनान ने कहा मैं अभी उतार के इसको ठीक कर देता हूँ, तो उसने पंखा उतारा, उसका ऑपरेशन किया और फिर जब लगाया तो पंखा बिल्कुल बंद हो गया। तो फिर जो है ना लेकर मैकेनिक के पास गया तो उसने कहा कि ये बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, अब दोबारा दूसरा लेकर आना है, इसलिए मैं इसका कह रही थी कि अब सप्लाई को भी ख़त्म करने का इरादा है क्या। जल्दी जल्दी से इधर छिड़काव लगाओ, काम करना है। वैसे इधर दरख्तों की छांव है ना तो हवा इधर ठंडी लग रही है, पानी का छिड़काव लगा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और दरख्त जो है ना अभी हरे हुए तो है, लेकिन इतनी सख्त गर्मी में जो है ना फिर से ये खुश्क होना शुरू हो गया है। तो आज जो है ना मैं एक और चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, एक और नई चीज़ नहीं है, पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है बनाया है, क्योंकि ये मौसम होती है लहसुन के अचार के डालने की, क्योंकि वैसे तो हर मौसम में अचार डाला जाता है, गाजरों का भी डाला जाता है, इमली का भी, मिर्चों का भी, तो हमारे बच्चे जो है ज़्यादा शौक से लहसुन का अचार ही खाते हैं। एक तो लहसुन का अचार जो है ना ये बंदे को बीमार नहीं करता, और दूसरी बात यह है कि लहसुन का अचार जो है बाकी बहुत मज़ेदार होता है। तो हमारा अपना पौधा तो नहीं था लहसुन का, तो हमसायों का पौधा था, तो कल मैंने अदनान को और किसान को भेजा है उधर, मैंने कहा कि लहसुन लेकर आओ, क्योंकि पिछले साल तो मैं खुद गई थी, लेकिन कल जो है ना थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, तो लहसुन उन्होंने कहा कि ख़त्म हो रहा है, अगर आप लोगों ने लेना है तो आकर ले जाएं। तो फिर मैंने बच्चों से कहा कि आप जाकर खुद ही ले आओ, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो मोटरसाइकिल पर ले गए और लहसुन लेकर आ गए। तो लहसुन बनाकर मैंने अंदर रखा हुआ है, मैं लेकर आती हूँ, और इस बार एक नए तरीके से जो है ना हम अचार डालने वाले हैं, किस तरीके से डालने वाले ये आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। अभी मैं लेकर आती हूँ उधर से लहसुन का पत्ता, तो इसको मैंने तोड़ के जो है ना साफ करके रख दिया, ये देखिए।
ये मैंने साफ करके रखा है, सब डालियों इसके से तोड़ लिया, लेकिन ये जो इसके ऊपर वाली ये चूतिया है ना, ये नहीं तोड़नी, क्योंकि इसको उबालने के बाद इसको उतारा जाएगा। पहले उतारेंगे तो फिर ये खराब हो जाएगा। केक तो हवा बहुत तेज चल रही है। हाँ, तो अभी जो है ना, हमने आग जला कर देखचा, बड़ा सा देखचा पानी का ऊपर रख दिया है, और बहुत सारी लकड़ियाँ भी हमने डाल दी है ताकि उबाल जल्दी जल्दी से आ जाए, और तब तक हम जाके लसुड़े की धुलाई करते हैं। अच्छा, अब ये चार पे लेकर बाहर चले। जैसे ये पानी खुश्क होता है, और मैं देखती हूँ कि पानी को भी उबाल आ गया होगा, फिर लेकर चलते हैं उसमें डाल देंगे। हाँ, तो अभी जो है ना, मसूड़े को धोकर मैं थालों में दोबारा से डालकर लेकर आ गई हूँ, और पानी को भी माशाल्लाह से ये देखिए उबाल आ रहा है, अभी पानी भी उबल चुका है। तो जो है ना, मैं इसमें डाल देती हूँ लसूड़ा, और फिर इसको हम उबालेंगे। अभी जो है ना, मैंने इसमें लसुड़ा डाल दिया है, और ये हरा हरा आप लोगों को नज़र आ रहा है, तभी हमने इसको तब तक उबालना है जब तक ये गोल्डन हो जाएगा, और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मसाला लगा के हमने अचार बनाना है। ये हमने कुकर की लकड़ी डाल के मैंने इसमें रख लिया है, और आग जल रही है, और जब तक इस ये उबलता है हम तब तक सोते हैं उस किचन में, नहीं उस किचन में नहीं, उस घर में, दूसरे घर में। मानो बेड के नीचे छुपी हुई थी, है बेड के नीचे सो रही थी। ये गले में देखो इसके क्या पहनाया है इसको, ये देखे, ये गले में इसने हार पहना हुआ है मानो ने, ये नींद में थी, मानो में जो है ना वो नींद में थी, अभी सो रही थी। ये तंग होती है, कहती है मुझे छोड़ दो, मुझे बैठने दो, सोने दो, बच्चों से जो है ना ये तंग आ चुकी है, पूरा दिन उसको एक उठाता है, दूसरा रखता है, दूसरा उठाता है, पूरा दिन यही काम करते हैं ना, इस वजह से। तो अभी जो है ना, ये देखें माशाल्लाह से इसका कलर जो है ना कितना गोल्डन गोल्डन हो गया है, मज़ेदार। अभी इसको हम निकाल लेते हैं। मैं वैसे भी पहले भी मेरी देखे सारा बल्ब जल गया है, अभी इसको हम खिला के रख देते हैं ताकि अच्छे से इसको हवा भी लग जाए और मज़ेदार से भूख लग जाए, फिर इसको हम खा लेंगे। ये नीचे मैंने ना जाली वाला ये बारीक कपड़ा डाला है ताकि नीचे से भी हवा इसको लगती रहे और ये ख़राब ना हो। तो ये देखें माशाल्लाह से, अभी तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है। अभी इसको पूरा दिन की धूप आज की लगनी है, क्योंकि ये जो है ना उबला हुआ ना, इसको धूप लगवाना लाजमी है, अगर इसको तलते तो फिर उसकी धूप लगवाने की ज़रूरत नहीं होती। बहुत ही ज़बरदस्त धूप और मिट्टी उड़ रही है, और ये देखें ये हमारी कपास की लास्ट छिदराई हो रही है, जिस चूने को हमने लगाया हुआ है छिदराई करने के लिए, और अभी हम पहुंच चुके हैं छत पर, और पानी की बोतलों के देखो स्टॉक लगे हुए हैं। अभी इधर रात को सोते हैं ना बच्चे, लेकर आते हैं ऊपर, और फिर इधर रख देते हैं।
गर्मी बहुत है ना इस वजह से। अगर कनेक्शन प्लेटों पर नहीं लगाया गया तो अभी तारे लगाना और कनेक्शन लगाना बाकी है। अभी तो बिजली इस्तेमाल हो रही है तो इस वजह से कि अभी टाइम नहीं लग रहा जाकर वो जो पुर्जा होता है लेकर आने में और जो बिजली पैदा करके आगे देते हैं, क्योंकि फसलों की पहले तो ये 4-5 रोज़ होते हैं हमारे पानी की बारी के, तो पानी की बारी अब आज ख़त्म हुई है तो इंशाल्लाह कल तक जो है ना फिर जाएंगे और पुर्जा लेकर आएंगे, फिर जो है ना प्लेटों का कनेक्शन भी शुरू इंशाल्लाह जल्द से जल्द हो जाएगा। अभी जो है ना हाँ तो अभी जो है ना बहुत तेज़ धूप निकली हुई है और बहुत गर्मी हो रही है और हवा भी बहुत तेज़ चल रही है, तो इसी वजह से हाँ जानवर वगैरह भी हमने सब अंदर बांध दिए हैं, कुछ कमरे के अंदर कुछ बाहर दरख्त के नीचे, और अभी जो है ना बहुत सख्त धूप लग रही है और हवा जो है ना जैसे ही धूप तेज़ हो रही है ऐसे ही हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है। इसी के साथ आप लोगों से भी हम इजाज़त चाहते हैं कि हमारे साथ खेला था आपको बहुत हाथ भाई प्रोफेशन बता रखें, हम मुस्कुराते रखें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।